तो गाइस वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और आज हम लोग खड़े हैं अयोध्या की देवभूमि पर। तो सबसे पहले आप सभी भाइयों को जय श्री राम। ये देखिए हमारे पीछे कितना सुंदर सा नज़ारा है, कितना सुंदर। और ये यहाँ का है गुप्तार घाट, अभी जल्दी बन के तैयार हुआ है और काफ़ी खूबसूरत। और सुबह सुबह के अभी बज चुके हैं 7 और कितना ज़बरदस्त खूबसूरत सा ब्यूटीफुल नज़ारा है। और इस ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा अयोध्या की जितने भी मंदिर वगैरह वो सब इसमें कवर करने की कोशिश करेंगे और चलेंगे अयोध्या। फिलहाल आपको दिखाते हैं अभी गुप्तार घाट, यहाँ की खूबसूरती। और ये है मेरे पास 360, तो कुछ इससे भी आपको व्यू देखने को मिलेगा। फिलहाल तो बहुत ही खूबसूरत सा नज़ारा है, यहाँ पे काफ़ी अच्छा सा बनाया है पार्क। देखिए बैठने के लिए चेयर वगैरह भी है यहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत। रात में यहाँ पे अच्छी अच्छी मतलब लाइट वगैरह जलती है। और सरयू नदी है एक्चुअली में, ये काफ़ी खूबसूरत भाई। अभी तो फिलहाल पानी इसमें कम है, पर आप नज़ारा देखिए आगे कितना खूबसूरत है। तो चलते हैं आपको दिखाते हैं पूरा घाट यहाँ का बढ़िया सा एकदम। ये देखिए पार्क वार्क बना हुआ है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत, बैठने के लिए जगह जगह चेयर भी हैं और काफ़ी शाम में तो और भी अच्छा यहाँ पे लगता है फिलहाल। तो गाइस यहाँ पे आपको बोट राइड भी मिल सकती है, 50 से 100 रुपये इसका चार्ज लेते हैं। वैसे हम लोग नहीं बैठे क्योंकि सुबह सुबह यहाँ पे कोई है नहीं। और हम आए अपने भाइयों लोग भाई लोगों के साथ। हेलो हेलो हाय सब लोग, अभी चलते हैं सीधा अयोध्या हर की पैड़ी वगैरह दर्शन करते हैं चल के और आपको भी वहाँ का व्यू दिखाते हैं। आप वैसे तो ये गुप्तार घाट उसको ऐसा दिखता है, काफ़ी खूबसूरत है। और मॉर्निंग का सब लोग यहाँ पे टहलने वहलने आते हैं तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। जब भी हम लोग आ चुके हैं राम की पैड़ी पर और ये है आपके सामने सरयू नदी। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ राम की पैड़ी का पंप हाउस। और यहाँ से जाता है मतलब पानी जो इसका अंदर है ना, वो देखिए पंप हाउस इसमें बना हुआ है और काफ़ी अच्छी सी प्रतिमा बनी हुई है कृष्ण जी की। और यहीं से यह पानी सीधा नदी के अंदर जाता है। बाकी जितनी लागत है सारा कुछ यहाँ पे लिखा है एकदम बोर्ड में ऐसा कुछ। और ये राम की पैड़ी, अभी हम लोग चलते हैं इसमें स्नान वगैरह करेंगे वहाँ पे और काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है। तो फिलहाल अभी चलते हैं और आपको चल के अंदर का दिखाते हैं सीन कैसा है वहाँ का, राम की पैड़ी पे क्या हाल है। और फिलहाल तो हम लोग यहाँ पे आ गए, अभी चलते नहाते वहाते हैं। तो अभी हम लोग आ चुके हैं राम की पैड़ी पर और यहाँ बहुत सारे लोग भाई साहब स्नान वगैरह कर रहे हैं और अभी हम भी जा रहे हैं इसमें स्नान वगैरह करेंगे काफ़ी। ये देखिए भाई कितना अच्छा वहाँ से आता है पानी जहाँ जय सीताराम लिखा हुआ है, तो वो भी आपको दिखा देंगे। पर यहाँ तो भाई देख सकते हैं जो जहाँ पे हर की पौड़ी में जहाँ से पानी जाता है ना वो ये जगह है। और लगभग 6 पंप लगे हुए हैं जिसमें से अभी 3 चल रहे हैं। ये देखिए और काफ़ी बड़ा बना हुआ है भाई, मैं इसके ऊपर चढ़ के आपको दिखाऊँ। ये देखिए काफ़ी बड़ा बना हुआ है भाई ये जहाँ से पानी आता है। बाकी चलते हैं आपको हर की पैड़ी दिखाते हैं क्योंकि काफ़ी ज़बरदस्त और काफ़ी खूबसूरत भाई। ये देखिए यहाँ पे तो पानी काफ़ी गहरा है पर जहाँ से ये पानी होते हुए वहाँ जाता है ना वो बहुत ही कम गहरा, लगभग 2 फीट ही पानी, 2-2.5 फीट ही गहरा होगा बस का पानी सीधा उठा के इसमें आता है। और अभी तो 3 ही पंप खुले हुए हैं और 3 बंद हैं। वैसे तो हम आपको सामने से दिखा रहे थे, ये देखिए और जो पानी है वो आता है यहाँ पे, ये देखिए है ना भाई। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे नहाते हैं और हम हो चुके नहा के तैयार एकदम। और जो हमारे साथी वो लोग नहा रहे हैं, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं आप सुन सकते हैं भाई। काफ़ी भीड़ है भाई यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा क्योंकि जो दीप उत्सव है वो यहीं से मतलब किया जाता है हर साल, काफ़ी ज़बरदस्त। तो चलिए आपको और भी आगे का सीन दिखाते हैं राम की पैड़ी का, काफ़ी शानदार भाई यहाँ का नज़ारा। और आपको यहाँ से पूरा 360 का भी व्यू हम दिखा देंगे आपको।
तो अभी हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी के पास, और यहाँ पे भी काफ़ी बहुत सारी भीड़ है वैसे, और देख सकते हैं आप, और बहुत सारी प्रसाद की दुकानें और खिलौने की दुकानें। फिलहाल तो हम लोग को चलना है अंदर दर्शन करने, और फिर उसके बाद चलते हैं। और ये हनुमानगढ़ी का मंदिर नहीं है, इससे और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो पड़ेगा। फिलहाल तो बहुत मशक्कत की, इतनी ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे भाई कि क्या बताएं, क्योंकि सब तरफ घर वगैरह टूट रहे हैं, तो इसलिए कहीं दर्शन ही मिलने के चांसेस तो बहुत कम थे। अभी आपको दिखाते हैं भीड़ कितनी भयानक लगती है यहाँ पे, वो देखिए। ये देखिए वो सामने है अपने हनुमानगढ़ी भाई, बहुत लंबी भीड़ लगी हुई है। पहले गाइस हम लोग आ चुके हैं हनुमानगढ़ी के, और ये मैंने ले लिया है प्रसाद। और ये देखिए भाई साहब कितना भयानक भीड़ लगा हुआ है भाई, अंदर आ चुके हैं। वैसे काफी भीड़ रहती है भाई वैसे यहाँ पे। तो गाइस हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैं वैसे, और अभी देना तो है प्रसाद पहले तो। गाइस तो फाइनली हम लोग ने दर्शन वगैरह कर लिए, प्रसाद भी खा चुके हैं, और ये अपना हनुमानगढ़ी हनुमान जी का मेन मंदिर। यहाँ से पहले अगर आप अयोध्या आ रहे हो तो सबसे पहले आपको हनुमान जी के दर्शन करने हैं, उसके बाद आप जाके रामलला जी के दर्शन कर लीजिए। और जो भी लोग आते हैं सबसे पहले यहीं के दर्शन करते हैं, उसके बाद राम मंदिर के दर्शन करते हैं, ऐसी मान्यता है यहाँ की। तो हम लोगों ने भी वही किया है, पहले आए थे यहाँ के दर्शन किए, उसके बाद जाएंगे अभी रामलला जी के दर्शन करने। और अभी आपको ऊपर से व्यू चल कर दिखाते हैं, जैसे इधर लीजिए काफ़ी खूबसूरत सा मंदिर वैसे बना हुआ है, और भक्तों की भीड़ नीचे देखिए कितनी है। अभी हम हैं ये जो हनुमान मंदिर है उन्हीं की छत पे खड़े हुए हैं, और वैसे तो ज़्यादा किसी को यहाँ आने नहीं देते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ का नज़ारा कितना ज़बरदस्त है भाई, ब्यूटीफुल, पूरा अयोध्या दिख रहा है यहाँ से। फिलहाल तो गाइस हम लोग यहाँ से चलते हैं नीचे, और काफ़ी भीड़ है आप देख सकते हैं वैसे। मैंने फिलहाल दर्शन कर लिए थे, अब यहाँ से चलते हैं हनुमान मंदिर के, तो दर्शन हो गए। फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं और चलते हैं सीधा रामलला के दर्शन करने। अभी हम लोग चलते हैं दशरथ जी के महल, और यहीं से आपको श्री राम जन्मभूमि मंदिर जाने का भी रास्ता है वैसे, यहाँ से दूरी 500 मीटर लिखी गई है। अच्छा, दर्शन समय सुबह 7 से 11:30 बजे तक, 2 PM से 7 PM तक। तो फिलहाल चलते हैं हम लोग दशरथ महल की तरफ, और दिखाते हैं अंदर आपको कैसा है नज़ारा वहाँ का। ये देखिए ये है दशरथ महल यहाँ का। तो गाइस ये देखिए काफी पुराना महल बना हुआ है भाई ये तो, और चलते हैं अंदर। आज बहुत सारे स्कूल के भी बच्चे आए हुए हैं वैसे, मंडे को अच्छा जी का महल तो बंद है वैसे। यही है, और दशरथ जी का महल टूट भी रहा है भाई, ये देखिए यहाँ लिखा है बाबा श्री प्रसाद जी का बड़ा अखाड़ा, चक्रवर्ती महाराज दशरथ जी का राज महल बड़ा स्थान, महंत श्री देवेंद्र प्रसाद चार्य जी। फिलहाल अपन लोग यहाँ चलते हैं, क्योंकि दरवाजा इसका बंद है मेन गेट, तो चलते हैं वापस बाहर। भाई सब चलते लग गई थी भूख, और अभी बन रहा है हम लोगों का मटर। भाई सब यहाँ बंदर बहुत सारे हैं, तो बंदरों से बच करके भाई, भाई। बच रहे हो तो ये भी टेस्ट करके सुबह भाई बताइए टेस्ट करके कैसा है। अभी चल रहे हैं श्री राम जन्मभूमि के मार्ग पर, काफी सारे यहाँ पे महल वगैरह बने हुए भाई, दशरथ जी की इच्छा भवन, यहाँ पे दशरथ जी की इच्छा से भवन बनाया गया होगा, तो वो भी है इच्छा भवन है यहाँ पे।
ये देखिए यहाँ बना हुआ है, काफी अच्छा था भाई दर्शन। तो अंदर चल के दर्शन भी कर सकते हैं फिलहाल तो, पर हमें जाना है तो हम चल रहे हैं बाहर की तरफ। इस फिलहाल तो हम लोग यहाँ मोबाइल जमा करने वाले हैं। वैसे तो सामने हम लोगों के श्री राम जन्मभूमि दर्शन मार्ग है पुरुष, तो यहाँ वीडियो वैसे बनाना अलाउ नहीं है और यहाँ पे हम लोग जमा कर देते हैं वैसे लॉकर। हम लोगों ने दर्शन कर लिए, लॉकर से मोबाइल ले लिया। भाई मोबाइल की तो बात छोड़े, इलेक्ट्रिक का कोई भी सामान आप अंदर नहीं ले जा सकते हैं। तो फिलहाल हम लोगों ने वैसे दर्शन कर लिए, आप भी आके करिएगा। क्या डिजिटली हमेशा देखना अच्छा लगता है क्या आप लोगों को? तो चलते हैं भाई और आगे का कुछ दिखाते हैं अगर कुछ अच्छा मिलता है। तो दोस्तों ये रहा कुछ ऐसा वीडियो। यहाँ पे वापस हम लोग हनुमानगढ़ी आ गए, ये देखिए। और बस यही था, क्योंकि मंदिर का तो दर्शन आपको नहीं करा सकते, फिर किसी ब्लॉग में करा देंगे। और फिर मिलते हैं आपसे किसी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।